हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में बताने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई 2024 में, यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब इसमें आवेदन मांगे जा रहे हैं। यानी आवेदन यह ग्राम विकास विभाग यानी सभी जनपदों में लागू कर दिए गए हैं। साथ ही पत्रावली भी तैयार कर दी गई है, साथ ही आदेश लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। यानी यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह माडुल संकुल स्तरीय संघ में मानव संसाधन की आवश्यकता हेतु आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा संचालित जो NRLM है, इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत यह आवेदन मांगे जा रहे हैं। इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत महिलाएं आवेदन करेंगी करने हेतु माडुल संकुल स्तरीय संघ के द्वारा यह आमंत्रित कर दिए गए हैं। यानी सभी जनपदों में और जिलों में ब्लॉक स्तर पर ग्राम संगठनों में सभी को जानकारियां प्रदान कराई जा रही है कि इन पदों पर जल्द से जल्द आवेदन कराए जाएं। तो यह तीन बड़ा पद कौन सा निकल कर आया, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं संपूर्ण जानकारी। इसकी तिथि भी जारी की गई है, तिथि कब से कब तक आवेदन करना है। तो हाँ, यह माडुल संकुल स्तरीय संघ में जो आवेदनकर्ता होंगे, प्रथम आवेदनकर्ता यह संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक के रूप में और दूसरा है संकुल स्तरीय संघ में लेखककार यानी अकाउंटेंट के रूप में और तीसरा है माडुल संकुल स्तरीय MIS सहायक के रूप में। तो हाँ, यह तीन बड़े पैमाने पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक जो होंगे, लेखककार जो होंगे, MIS सहायक जो होंगे, यह तीनों प्रतिक्रियाओं को संबंधित करते हुए इनका आवेदन कराए जा रहे हैं। यह आवेदन के साथ इनकी समय सीमा भी मांगी गई, समय सीमा के अनुसार इसमें आवेदन कराए जाएंगे और आवेदन में इसमें लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी और लिखित परीक्षा के साथ मौखिक परीक्षा और साक्षात्कार या सब जानकारियां होनी चाहिए इनको। तो जो भी आवेदनकर्ता होंगे सभी पदों के लिए यह आवेदन हेतु जो तिथि जारी की गई 12 फरवरी से आवेदन कराए जाएंगे। आवेदन करने के लिए यह अंतिम शॉर्ट लिस्टिक तिथि भी जारी की गई जो 27 फरवरी तक, लिखित परीक्षा भी होगा जो 15 मार्च को होगा और साथ ही लिखित परीक्षा का परिणाम जो निकल कर आएगा वह 26 मार्च को होगा और लिखित परीक्षा का परिणाम हेतु जो जानकारियां दी जाएगी वह 26 मार्च को होगा और यह साक्षात्कार यानी यह 8 अप्रैल और 19 अप्रैल तक तय कर दिया जाएगा। तो हाँ, यह मिशन मुख्यालय में अंतिम परिणाम आपको सूचित कर दिया जाएगा, वह तारीख है 29 अप्रैल 2024। तो हाँ, यह उक्त सभी पदों पर संबंधित पात्रता जो पाए जाएंगे उन्हीं का आवेदन मान्य होगा और इन्हें आवेदनकर्ता की आय सीमा भी मांगी गई है, साथ ही योग्यता और कार्य चयन प्रक्रिया, आवेदन का अनुभव, यह सब संबंधित जानकारियां होनी चाहिए। इन्हीं जानकारियों के साथ योग्यता के साथ ही यह आवेदन कर सकेंगी। तो हाँ, यह निर्देश में सभी जानकारियां प्रदान की जा रही है। यह माडुल संकुल स्तरीय संघ में यह आवेदनकर्ता हेतु के लिए यह ऑफिस भी बनाई गई है, साथ ही यह ऑफिस के माध्यम से इन तीनों पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। चयन करने के बाद इन्हीं ऑफिस में इन्हें बैठने के लिए स्थान प्रदान की जाएगी। तो स्थान प्रदान करने के लिए यह सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही, साथ ही ग्राम संगठन के ऑफिस में और साथ ही BMM कार्यालय में और DMM की ऑफिस में यह सभी को नोटिस भेज दी गई यानी लेटर जारी कर दिया गया। स्टेट लेवल से यह जानकारियां प्रदान की जा रही हैं और जानकारियों के साथ लेटर भी भेज दिया गया जो 27 जनवरी को भेजा गया और 27 जनवरी से ही इसका वेबसाइट भी चालू कर दिया गया, यानी www.srlmup.in इस न्यूज के आवेदन कराए जा रहे हैं। तो भरना शुरू हो चुका है। तो हाँ, यह ऑनलाइन अपडेट जो होनी है वह चालू कर दिया गया। आवेदन हेतु जो नियम रखे गए हैं, शर्त रखे गए हैं, उस शर्त को भी पूरा करना पड़ेगा। यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से अनुमोदना की गई है कि निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को अधिकारी माडुल संकुल स्तरीय संघ को पास सुरक्षित रखेंगे। यानी यह जो संकुल स्तरीय संघ की नियुक्तियां की जाएंगी उनके पास जब यह आजीविका मिशन से कार्य कराए जाएंगे तो यह आजीविका मिशन के कार्य करेंगे, साथ ही सभी दस्तावेजों को सुरक्षित भी रखेंगे। तो माडुल संकुल स्तरीय संघ में उक्त पदों पर सूचना दे दी गई, सभी जनपदों में सभी विकास खंडों में यह पत्र जारी कर दिया गया है। आवेदन हेतु शुल्क नहीं लगेगा, यानी इसमें आवेदन निःशुल्क ही करना पड़ेगा। अपने ब्लॉक से संपर्क करके वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए यह वेबसाइट चालू कर दिया गया, जो वेबसाइट चालू किया गया है उसी के तहत यह आवेदन करेंगी। आवेदन करने के लिए जो लेटर जारी कर दिया गया है वह लेटर आपको दिखा दे, यह मिशन निर्देशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सेवा में मुख्य
विकास अधिकारी समस्त जनपदों में यह उत्तर प्रदेश में आदेश जारी किया गया है। यह मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक और लेखाकार MIS सहायक के रूप में चयन किया जाए। जल्द से जल्द कार्य योग्यता मापदंड जो मांगे गए हैं उसकी भी जानकारियां आपको देंगे। तो मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ में मानव संसाधन नीति के अनुसार इसमें आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो आवेदनकर्ता जो संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक की नौकरी है इसमें योग्यता जो मांगी गई, कार्य क्या करना पड़ेगा, दायित्व जो होंगे, मानदेय भी इनका तय किया गया है उसी कार्य के हिसाब से। तो कार्य के हिसाब से कितना मानदेय तय किया गया चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक जो होंगे उनका कार्य होगा मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ के एक महिला होनी चाहिए, साथ ही प्रबंधक की सकता है। तो संकुल स्तरीय संघ के लिए इसमें संकुल स्तरीय संघ के दिन प्रतिदिन का कार्य का प्रबंध करेंगी, निगरानी करेंगी और साथ ही मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ में अध्यक्ष की रिपोर्ट की जानकारियां भी करेंगी और साथ ही मॉड्यूल संकुल स्तरीय संघ में यह प्रगति के कार्यों को जवाबदेही होंगी, यानी जानकारियां रखते हुए सभी को जवाब देंगी, सभी को जानकारियां प्रदान करेंगे। तो यह संकुल स्तरीय संघ में आवेदन हेतु जो प्रबंधक होंगे उनकी प्रगति के लिए पदाधिकारी जो होंगे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक का चयन करना बहुत ही अति आवश्यक है। इनका प्रशिक्षण भी होगा या प्रबंधक के रूप में सिर्फ सहायक और मार्गदर्शन करने का काम करेंगे और प्रबंधक का कार्य यही होगा कि वह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रस्तावित आदर्श संकुल संघ के नया कर्मचारी होंगे और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह प्रस्तावित आदर्श रखेंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संकुल स्तरीय संघ पे तैनात होंगे। तैनाती के साथ यह कर्मचारी भुगतान करेंगे और उनके द्वारा ही सारे कार्य कराए जाएंगे। तो हाँ प्रबंधक का कार्य यही होगा। तो प्रबंधक का योग्यता जो मांगी गई है योग्यता के अनुसार ही आवेदन कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इनकी योग्यता बता दे रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए, साथ ही यह उत्तर प्रदेश की निवासी भी होनी चाहिए, साथ ही यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी गई, यही महिला इसमें आवेदन कर पाएंगी। तो अभ्यर्थी का शैक्षिक योग्यता कम से कम स्नातक पास होनी चाहिए और पढ़ी लिखी होनी चाहिए, साथ ही अंकगणित का अच्छा ज्ञान भी इन्हें होना चाहिए। तो इनकी उम्र भी मांगी गई है, आयु सीमा यानी 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की महिला आवेदन कर सकेंगी। तो अभ्यर्थी स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए, साथ ही संकुल स्तरीय संघ में ग्राम संगठन में यह प्रबंधक होनी चाहिए, साथ ही यह वित्तीय प्रबंधक बुक ऑफ रिकॉर्ड की आदि की जानकारियां इन्हें होनी चाहिए। यह 30 दिनों तक रिसोर्स ब्लॉक यानी स्थानों पर कार्य कर होनी चाहिए, यानी उसका अनुभव भी होना चाहिए, प्रशिक्षण प्राप्त की होनी चाहिए, साथ ही यह अभ्यर्थी स्वयं सहायता समूह की बैठक में और ग्राम संगठन की बैठक में संकुल स्तरीय संघ की बैठक में भाग लेती होनी चाहिए, यानी आनी जानी होनी चाहिए। तो यह अवधारणा की अच्छी समझ भी इन्हें होनी चाहिए, साथ ही यह बैंक डिफॉल्ट भी नहीं होनी चाहिए, साथ ही यह स्मार्टफोन चलाती होनी चाहिए और इन्हीं के स्तरीय संघ से यह ग्राम में यात्रा करने में इच्छुक वार होनी चाहिए, साथ ही यह ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ में बैठक के लिए यह कार्य क्षेत्र में भ्रमण करती होनी चाहिए, इच्छुक वार होनी चाहिए, राज्य के भीतर ही यह एक्सप्रेजर यात्राओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर ली होनी चाहिए। तो यह कार्य करने वाली महिला का कंप्यूटर रिपोर्ट तैयार करने में या संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक होनी चाहिए, यानी इसका भी इनको जानकारी होनी चाहिए, आधार पर इनको ही तैनाती की जाएगी। साथ ही इनका कार्य भी मांगा गया या करना पड़ेगा ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो हाँ यह प्रबंधक का कार्य होगा, यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संकुल स्तरीय संघ से संबंधित समस्त कार्यों का संचालन करना, शिक्षण देना और कैलेंडर तैयार करना, यह सब कार्य करेंगी। तो संकुल स्तरीय संघ में प्रशिक्षण परियोजित करेंगी, साथ ही पदाधिकारियों को संकुल स्तरीय संघ में कार्यरत स्टाफ की समीक्षा कराने के लिए यह कार्य करेंगी। संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक का कार्य क्या होगा? तो कार्य उनका यही होगा, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संकुल स्तरीय संघ के समस्त संबंधित कार्यों का संचालन करना, निश्चित करना, संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठनों के अंतर्गत कैडरों की क्षमता बढ़ाना और प्रशिक्षण और कैलेंडर तैयार करना। तो संकुल स्तरीय संघ में यह आयोजित करना होता है। संकुल स्तरीय संघ में पदाधिकारियों को संकुल स्तरीय संघ के कार्यरत स्टाफ समीक्षा भी कराना होता है। तो संकुल स्तरीय संघ के अंतर्गत जो भी गठित स्वयं सहायता समूह होंगे, संकुल स्तरीय संघ होंगे, ग्राम संगठनों के मिशन के तहत या निर्धारित किए जाएंगे, उसकी गाइडिंग सुनिश्चित करना होगा। तो हाँ यह प्रबंधक का कार्य होगा, यह दृष्टि में नए स्वयं सहायता समूहों की योजनाओं के यह
प्रबंधक का कार्य होगा। संकुल स्तरीय संघ में ग्राम संगठनों के समूहों का उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत निर्धारित किया जाएंगे। साथ बुक से रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराने होंगे यह कैडरों को, तो कैडरों के सहयोग करने पड़ेंगे, अपडेट भी करवाने पड़ेंगे। संकुल स्तरीय संघ में FICIF निर्गत करने के लिए योजनाओं के तहत ऋण की वापसी सुनिश्चित कराने हेतु प्रबंधक कार्य करेंगे, मार्गदर्शक भी करेंगे और साथ ही एडिट रिटर्न फाइल भी करवाना पड़ेगा। तो हाँ, यह सब कार्य करेंगे। ग्राम संगठनों के बैठक में प्रतिभागी होंगे, साथ ही ग्राम संकुल स्तरीय संघ में यह बैठने का प्रतिभागी होंगे, यानी उनका बैठना अनिवार्य होगा। तो संकुल स्तरीय संघ में आजीविका स्वास्थ्य गतिविधियों को लागू करवाने के लिए यह कुल स्तरीय संघ का प्रबंधक ही करवाएंगे। तो हाँ, यह संकुल स्तरीय संघ की प्रणालियों के कार्यों के हिसाब से यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत या बैंक सरकारी विभागों में यह समन्वय स्थापित करवाने हेतु यह स्पेजर करवाना पड़ेगा। साथ ही समूह में CCL करवाना पड़ेगा, लिंकेज करवाना पड़ेगा। यह कार्य करवाएंगे बैंक के अधिकारी, या पदाधिकारियों के साथ वह आम सभा भी लगाएंगे महीने में एक बार। साथ ही रिपोर्ट बनवाने के साथ कार्य और संकुल स्तरीय संघ का प्रस्तुत करने हेतु यह वार्षिक कार्य का जो व्यय होगा उसके प्रबंध में यह रिपोर्ट तैयार करेंगे और सरकार को रिपोर्ट प्रदान करवाते हुए यह जिम्मेदारियां भी उनकी होगी। तो हाँ, यह जिम्मेदारियां भी निभाएंगी। तो इनका मानदेय भी तय किया गया, मानदेय उनका कितना मिलेगा प्रति महीना 10,000 से लेकर 15,000 रुपये मिलेगा। तो हाँ, यह थी कार्य योग्यता संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक की। तो उसके बाद दूसरी नौकरी जो है वह संकुल स्तरीय संघ लेखाकार की, यानी अकाउंटेंट की नौकरी। तो इनकी भी नौकरी रखी गई, साथ ही योग्यता मापदंड कार्य दायित्व दिए गए हैं इनका भी, साथ ही इनका वेतन भी तय किया गया है। तो इनका भी कार्य योग्यता क्या है, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। लेखाकार जो होंगे वह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत या निर्देशानुसार या आदर्श मॉडल संकुल स्तरीय संघ के लेखाकार होंगे। सामुदायिक स्तरीय महिला का संस्थान करेंगे और संस्थान की आवश्यकता भी होगी और इसके लेखक कार्य में तैनाती किए जाएंगे। यह प्रस्ताव रखे गए हैं, यानी इनकी तैनाती की जाना बहुत ही अति आवश्यक है। तो यह मॉडल संकुल स्तरीय संघ में महिला ही लेखक कार्य होंगी, उनकी ही आवश्यकता होगी। साथ ही संघ के प्रतिदिनों का वित्तीय कार्य करने की देखरेख करने की निगरानी करेंगी और मॉडल संकुल स्तरीय संघ का जो प्रबंधक रिपोर्ट तैयार करेगा उसी मॉडल संकुल स्तरीय संघ की प्रगति के लिए कोषाध्यक्ष की जवाब देंगे। साथ ही यह जब जवाब देते यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में संकुल संघ में लेखककार का चयन प्रशिक्षण प्रबंधक सिर्फ सहायता मार्गदर्शन करने के काम करेंगे। यह लेखककार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रस्तावित या आदर्श संकुल के नए कर्मचारी होंगे। उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संकुल स्तरीय संघ में तैनात किए जाएंगे। साथ इसकी योग्यता भी मांगी गई है, योग्यता इनकी यही होगी कि यह संकुल स्तरीय संघ का लेखककार अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला होनी चाहिए, वही महिला ही आवेदन कर सकती है। अब संकुल स्तरीय संघ में लेखक कार्य की अभ्यर्थी जो होंगे वह ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ के सदस्य भी होने चाहिए। उनकी उम्र की बात करें, उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष की होनी चाहिए। साथ ही बैंक का डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए और अभ्यर्थी कक्षा बराबर पास होनी चाहिए, लिखी पढ़ी होनी चाहिए, उन्हें अंकगणित का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। साथ ही यह बड़ा वाला स्मार्टफोन भी चलाती होनी चाहिए, उसकी जानकारियां भी होनी चाहिए। बैंक शाखा कार्य की अवधि को अन्य गांव में यात्रा करने के लिए इच्छुक वार होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह के बैठकों में या क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिए इच्छुक वार होनी चाहिए। या एक्सपोजर यात्राओं में भी प्रशिक्षण की होनी चाहिए, यानी अन्य प्रशिक्षण प्राप्त की होनी चाहिए। इच्छुक वार महिला आवेदन कर सकती है। साथ ही अभ्यर्थी के रूप में या ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ में पुस्तक लिखने हेतु 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए, यानी यह स्वयं सहायता समूह में ग्राम संगठनों में यह इच्छुक वार होनी चाहिए। साथ ही इनका ज्ञान भी होना चाहिए लिखा पढ़ी करने में। तो हाँ, संकुल स्तरीय संघ में पुस्तक लिखने पड़ेंगे, इनको 3 साल के ज्ञान होना चाहिए तभी इनका आवेदन मान्य होगा। तो यह साथ ही संकुल स्तरीय संघ में यह बुककीपर के रूप में जानी जाएंगी। संकुल स्तरीय संघ में यह लेखककार के रूप में चयनित की जाएंगी। तो इनका कार्य भी मांगा गया है, यानी यही होगा कि यह लेखा जोखा करेंगे। साथ ही लोकेश ऐप के माध्यम से संकुल स्तरीय संघ कार्यकर्ता होंगे, यानी उस पर अपडेट करते रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से बुक से आप रिकॉर्ड के वित्तीय वितरण दस्तावेज लिखेंगे, साथ ही उसे अपडेट भी करेंगे, बैठक करवाएंगे, मासिक प्रगति प्रवेदना भी करवाएंगे, साथ ही रिपोर्ट तैयार करेंगे। कार्यकारिणी समिति बैठक में
यानी जो भी लिखा जाएगा वह पढ़कर सुनाया भी जाएगा। तो प्रति माह यह कम से कम 10 ग्राम संगठनों के कार्यकारिणी होंगी, यानी 10 ग्राम संगठन इन्हें देखना पड़ेगा, बैठक करवाना पड़ेगा, इसमें भाग लेंगी, साथ ही खाता लेखक होंगी, साथ ही बुक ऑफ रिकॉर्ड भी रखेंगी और वित्तीय वितरण में दस्तावेज या मासिक प्रतिवेदना भी तैयार करेंगी या सहयोग करेंगी। तो संकुल स्तरीय संघ में ग्राम संगठन में या वार्षिक शासी निकाय बैठक में या संबंधित वित्तीय दस्तावेज तैयार करेंगी और कोषाध्यक्ष संकुल स्तरीय संघ के जो प्रबंधक होंगे उनकी मदद भी करेंगी, साथ ही बैंकिंग कार्यों में बैंक सखी का सहयोग भी करेंगी। तो नियमित रूप से यह वाउचर, रोकड़ बही, ऋण पुस्तिका, सम्मान बही खाता और कार्यवाही पुस्तक और DCB MPR के बैंक मिलने वाले प्रपत्र जो होंगे उससे बुक कीपर की तैयारी करवाने में कार्य करनी होंगी और साथ ही कार्यों के अतिरिक्त प्रोफेशनल यानी रिसोर्स पर्सन का सहयोग भी कराना होगा। तो हाँ, संकुल स्तरीय संघ में या वित्तीय नियमानुसार या बैंकिंग लेन देन भी करवानी होगी, इनका कार्य यही होगा, पदाधिकारियों का सहयोग करना होगा। संकुल स्तरीय संघ वार्षिक मासिक बजट जो तैयार किए जाएंगे वार्षिक योजनाओं के तहत या प्रगति के तहत यह प्रस्तुति भी करनी पड़ेगी। संकुल स्तरीय संघ में यह वित्त जुड़े दस्तावेज का रख रखाव भी करना पड़ेगा, साथ ही कार्य क्षेत्र इनका यही होगा, ग्राम संगठनों का लेखाकार होंगे और नियमित 5 ग्राम संगठनों का लेखाकार होंगे, 5 ग्राम संगठनों का लेखा जोखा करेंगे और साथ ही इनको प्रशिक्षण भी प्राप्त होनी चाहिए। तो इनको इस कार्य के लिए इनको वेतन भी दिया जाएगा प्रति महीना। तो वेतन इनका कितना होगा, यानी इन्हें 6,000 से लेकर 9,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। तो हाँ, यह थी संकुल स्तरीय संघ में लेखक कार्य की यानी असिस्टेंट की नौकरी। तो हाँ, इस नौकरी में वेतन इतना मिलेगा, यही कार्य होगा, यही योग्यता इनकी होगी। उसके बाद जो अगली नौकरी, तीसरी नौकरी निकल कर आई है वह संकुल स्तरीय संघ में MIS सहायक की नौकरी। संकुल स्तरीय संघ में ग्राम संगठनों में समूह से संबंधित कार्य का अभिलेखा करने हेतु महिला MIS के रूप में चयन किया जाएगा। इनका संघ प्रस्ताव पारित कर दिया गया है MIS सहायक के रूप में। संकुल स्तरीय संघ में यह संघ में इन पदों पर तैनाती किया जाएगा, साथ ही यह डाटा प्रविष्ट किया गया है और MIS सहायक के रूप में संकुल स्तरीय संघ की कार्य करनी होंगी और साथ ही इन्हें मासिक वेतन भी उपलब्ध कराए जाए। तो MIS संबंधित आवश्यक रिपोर्ट का समय पर उपलब्धि कराई जानी होगी और साथ ही यह जो भी संकुल स्तरीय संघ है प्रतिदिन इसका MIS का देख रेख करना, निगरानी करना, संकुल स्तरीय संघ का प्रगति के लिए यह सचिव की प्रति जवाबदेही होंगी, यानी इनको जानकारियाँ देंगी। यह है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संकुल स्तरीय संघ में तैनात की जाएंगी और कैडर के रूप में या भुगतान संबंधित सभी स्तरीय संघ में कार्य कराए जाएंगे। तो इनकी योग्यता मांगी गई, योग्यता की बात करें या स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए, साथ ही या उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी होनी चाहिए, इन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह महिला 12वीं पास होनी चाहिए, लिखने पढ़ने में सक्षम होनी चाहिए, अंक गणित का ज्ञान होना चाहिए, अभ्यर्थी 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की होनी चाहिए, यही महिला आवेदन कर सकती है। तो अभ्यर्थी स्वयं सहायता समूह में, ग्राम संगठन में, संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक या बुक्स ऑफ रिकॉर्ड की अवधारणा जानकारियाँ होनी चाहिए, साथ ही 30 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त की होनी चाहिए रिसोर्स प्रबंधक के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण के द्वारा। तो हाँ, इन्हें बैंक की डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। यह अभ्यर्थी के पास बड़ा वाला स्मार्टफोन भी होना चाहिए। यह कार्य करने के लिए दक्षता भी रखती होनी चाहिए। जब भी दिया जाएगा इच्छुक वार महिला ही आवेदन कर। MIS सहायक के रूप में भारत सरकार की तरफ से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से यह पंजीकृत कराए जाएंगे। संस्था चालू कर दी गई। यह 6 महीने तक का कंप्यूटर की भी जानकारी चाहिए, साथ ही यह कंप्यूटर की जानकारी लेते हुए किसी भी परिस्थिति में या संकुल स्तरीय संघ में MIS के संकुल स्तरीय संघ में करने हेतु अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन हाँ, यह MIS की सहायक को यह जानकारी यदि रहेगी उनका उत्तरदायित्व होगा कि उन्हें कार्य करने के लिए दिया जाएगा, साथ ही कार्य करती हुई वह महिला आवेदन करेंगी, आवेदन करने के लिए वह महिला इस पदों पर तैनात होंगी। तो जो भी संकुल स्तरीय संघ में यह काम करेंगी वह काम करने के लिए सबको अनुमति देंगी, तो अनुमति यही होगी उनकी। तो हाँ, इनका कार्य भी मांगा गया, यानी कार्य इनको क्या करना पड़ेगा, तो कार्य इनका वही होगा कि जहाँ सूचियों को तैयार करना होगा, उत्तर का उत्थान करना होगा, MIS का डाटा इन्फॉर्मेशन या प्रबंधक जिम्मेदारियाँ भी होंगी। संकुल स्तरीय संघ का बैठक
वित्तीय आर्थिक डाटा विश्लेषण भी करना होगा, रिपोर्ट तैयार करना होगा, जिम्मेदारियां भी होंगी इनकी। तो इनके ऊपर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संकुल स्तरीय संघ की निकाय सहायता या MIS की रिपोर्ट के लिए जिम्मेदारी, तो CLF प्रबंधक की मदद करनी होगी। तो यह CLF प्रबंधक की मदद करेंगी, साथ ही यह इस पदों पर तैनात होंगी और इस पदों पर तैनात होने के लिए इनका मानदेय दिया जाएगा जो कि 5,000 से लेकर 8,000 रुपये होगा। तो हाँ, यह कर्मचारी विकास के लिए कार्यक्रम रखे जाएंगे, यह कार्यक्रम के हिसाब से इनको नौकरी प्रदान की जा रही है। तो हाँ, इनको इतना वेतन दिया जाएगा। साथ ही यह जो कर्मचारी का विकास कार्यक्रम होगा, यानी यह कर्मचारियों का विकास संकुल स्तरीय संघ के लिए यह कर्मचारियों का आवेदन कराए जाएंगे, साथ ही कौशल और क्षमता वर्धन कार्य करेंगे, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी जाएगी। संकुल स्तरीय संघ में या सामुदायिक के साथ या सफलतापूर्वक काम करेंगे और काम करते हुए इनको सारा ज्ञान भी दिया जाएगा प्रशिक्षण के दौरान। तो प्रशिक्षण के दौरान इनको सभी जानकारियां दी जाएगी। तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, जो भी प्रशिक्षण देना पड़ेगा वह लिखित परीक्षा होगा और साक्षात्कार भी होगा, जो जनपदों स्तरों में आयोजित किए जाएंगे। यानी संकुल स्तरीय संघ के कार्यकारिणी जो समिति का चयन करने हेतु प्रक्रिया रखी गई है, उसकी उपभोक्ता का गठन करने हेतु इसमें जिम्मेदारियां दी गई है कि जिसमें संकुल स्तरीय संघ के कर्मचारियां जो होंगी, सीमित सदस्य जो होंगी, उनका निकाय करने के लिए उपायुक्त स्वतः रोजगार की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह लिखित आयोजित परीक्षा भी देना पड़ेगा, जो कि 100 अंकों वाला परीक्षा होगा। 100 अंकों में आपको 50% परीक्षा को पास करना है। तो इनको साक्षात्कार में भी परीक्षा दिया जाएगा, यानी मौखिक परीक्षा भी दिया जाएगा, जो 100 अंकों वाला होगा। 100 अंकों में आपको 50% में करना पड़ेगा। तो साक्षात्कार यही होगा, स्वतः रोजगार की अध्यक्षता में यह कार्य कराए जाएंगे, यानी जिला मिशन प्रबंधक के उपलब्धि में। तो हाँ, यह CMCV संयोजक इसकी भूमिका निभाएंगे। तो यह साक्षात्कार कराएंगे, साथ ही अनुभवी करेंगे, प्रशिक्षण या कौशल के आधार पर अंक पर दिए जाएंगे, लिखित परीक्षा का साक्षात्कार कराए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ जो भी होंगे उम्मीदवार व संकुल स्तरीय संघ में प्रबंधक होंगे, संकुल स्तरीय संघ के लेखाकार होंगे और वह संकुल स्तरीय संघ में MIS सहायक के पदों पर चयनित किए जाएंगे। तो हाँ, यह 3 बड़े पैमाने पर पद निकाले गए हैं, इनमें प्रशिक्षण भी कराए जाएंगे और आवेदन अंक भी जो भी आपको प्राप्त होंगे उसी के हिसाब से आपको नोटिस दी जाएगी, साथ ही आपको नोटिस और मार्कशीट भी दिए जाएंगे, आपको पदों पर चयनित किया जाएगा। तो हाँ, प्रशिक्षण हेतु यह संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक के रूप में कराए जाएंगे। इसका चयन उपरांत कार्यों की जिम्मेदारियों के बारे में जानकारियां दी जाएगी, साथ ही 10 दिवसीय उन्मुखी यानी प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे, यानी मिशन मुख्यालय पे। तो यह की तरफ से ट्रेनिंग भी कराए जाएंगे। संकुल स्तरीय संघ में संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक, संकुल स्तरीय संघ के लेखाकार और संकुल स्तरीय संघ में MIS सहायक के में, तो हाँ, इन तीनों पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी आजीविका मिशन के द्वारा। यह आजीविका मिशन के द्वारा इन्हें मार्गदर्शित किया जाएगा कि इनको क्या कार्य करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, यह सब सुनिश्चित करेंगे। स्वतः रोजगार उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह मॉड्यूल के हिसाब से जानकारियां प्रदान की जाएगी संकुल स्तरीय संघ को, और संकुल स्तरीय संघ में यह ब्लॉक, जिला प्रबंधक और इकाइयों के तरफ फिर से यह उपलब्ध कराई जाएंगी। तो यह जानकारी आपको दे दें, यह प्रशिक्षण का प्रावधान भी रखा गया जो कि तिथियां जारी कर दी गई है, तिथियों के हिसाब किताब हम आपको बता ही दिए हैं कि कब से कब तक होगी, तो इसकी समय सीमा भी निर्धारित जो की गई है उसका पालन भी किया जाएगा। तो इसी हिसाब से इनका सब कार्य कराए जाएंगे, साथ ही यह सफल उम्मीदवार जो होंगे वह अध्यक्ष विधिवत हस्ताक्षरित होंगे, और साथ ही यह लेटर जारी कर दिया गया, लेटर टाइप के लिए यह नियुक्त पत्र भी जारी किया जाएगा, साथ ही इनकी मार्कशीट भी बनाई जाएगी। तो यह पत्र भी अनुबद्ध किया जाएगा, रिपोर्टिंग भी देखी जाएगी और व्यक्ति की जिम्मेदारियाँ भी दी जाएगी, उनको मानदेय भी दिया जाएगा जो कि हम दिए हैं कि इतना कितने वेतन इनको मिलेगा। तो हाँ, यह संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक का मानदेय जो मिलेगा वो 10,000 से लेकर 15,000 तक होगा, और संकुल स्तरीय संघ का लेखाकार का मानदेय जो होगा वह 6,000 से लेकर 9,000 तक होगा। कुल स्तरीय संघ MIS का सहायक का जो मानदेय होगा वह 5,000 से लेकर 8,000 तक होगा। तो इनको कार्य के हिसाब से इतना वेतन दिया जाएगा। तो इतना वेतन देते हुए यह तैनातियां की जा रही है, हर जनपदों में यह आवेदन जारी कर दिया गया। आवेदन जारी करते हुए इसका ऑनलाइन तरीके से आवेदन मांगे जा रहे हैं। आप अपने ब्लॉक के माध्यम से संपर्क करिए, अपने जिले के माध्यम से संपर्क करिए, अपने जो भी महिला इच्छुक वार हों वह महिला आवेदन कर सकती हैं। यानी यह ग्राम संगठन के जो बुक कीपर दीदियां हैं वो दीदियां आवेदन नहीं करेंगी, इनको छोड़कर सभी दीदियां आवेदन कर सकती हैं।
तो हाँ, जितनी जानकारी हम आपको बताएं उन्हीं जानकारियों के हिसाब से यह महिलाएं आवेदन करेंगी। तो आज की वीडियो में यही जानकारियां थी। यह तीन बड़े पैमाने पर जो आवेदन मांगे जा रहे हैं उन्हीं के बारे में नौकरियां निकाली जा रही हैं। तो इसमें जो भी इच्छुक वार महिला हैं, स्वयं सहायता समूह की महिला हैं, आवेदन कर सकती हैं। आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी। यदि हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।